All right, so we are back. Day number 22. आज काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं, आपको लग ही रहा हो अंधेरा हो गया है. आई डोंट प्रेफर ड्राइविंग दिस लेट टू द जिम, बट आज कुछ दिन में मैं फंस गया था काम में इधर उधर एंड यू नो सो मैनी थिंग्स. बट एनी वे, आप लोगों ने कल का हमारा ट्रेनिंग ब्रॉडकास्ट तो देखा ही होगा. ट्रेनिंग तो क्या, बट आई वेंट टू द बीच. कोशिश ये थी कि भाई पानी में लगाएंगे हम छलांग, बट वो हो नहीं पाया बारिश. एनीवे, सो टुडे वर्कआउट इज़ पुश डे. आज मंडे है, मंडे को वापस से हम लोग चेस्ट, डेल्ट्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे. आजकल क्या है ना, मैं कुछ जो एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं उनको नहीं दिखा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल, मैंने सैटरडे वाले वर्कआउट में आपको ट्रैप्स नहीं दिखाया था, बट मैंने खुद किया था, है ना. तो एक्सरसाइजेज तो मैं कर ही रहा हूँ मसल पार्ट की, बट कुछ ज़रूरी जहाँ पे मुझे बातें बतानी है वही पार्ट में इंक्लूड करता हूँ, ठीक है. तो कन्फ्यूज़ मत होना, मैं खुद कर रहा हूँ भाई, आप लोग भी करना अगर करते हो तो. सेकेंडली, 22 दिन हो गए करते हुए ये, और यू नो 8 दिन बचे हुए हैं. इट्स लाइक 30 डेज का हमारा जो अपग्रेड सीरीज थी मेरी, उसके 22 दिन गुजर चुके हैं. तो आज कुछ इस तरीके का कॉमेंट्स मैं लूँगा जो इसी से रिलेटेड है. तो एक कॉमेंट आया हुआ है, मैं हर वीडियो में जैसे आपके कॉमेंट्स ले रहा हूँ, कि प्लीज़ सर टेक 365 डेज चैलेंज. जीत भाई, यू आर गिविंग प्योर नॉलेज, थैंक्स. थैंक यू ब्रदर. जो ये नॉलेज मैं दे रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि आपकी सुनने में और आपके देखने में ये खूबसूरती है जो आपको इसमें नॉलेज लग रही है. इट जस्ट माई एक्सपीरियंसेस ब्रदर, मतलब मैं जो अपनी ज़िंदगी में मार खा खा के सीख रहा हूँ ना, बस वही एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. ऐसा और कुछ नहीं है. आई एम नो मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है. मैं बस अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों को बताता हूँ कि यार ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो मैं ऐसा किया मैंने और उसका ये रिजल्ट निकला. सो आपको अगर वो आपकी लाइफ में हेल्प करता है तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मतलब मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को ये बता पा रहा हूँ अपनी लाइफ की यू नो एक्सपीरियंसेस. सो थैंक यू. ऐसे ही और भी कमेंट्स आए हुए थे कि सर इसको कंटिन्यू करिए अपग्रेड सीरीज़ को लाइफ टाइम. वो तो थोड़ा सा करना मुश्किल होगा क्योंकि मैं दूसरे काम भी करता हूँ यू नो, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा. बट या आई मीन आई अप्रिशिएट कि आप सब लोग इसको इतना पसंद कर रहे हो यार, जितने भी लोग देखते हो. मतलब आप लोग अलग हो, है ना, 100%. ये फिटनेस की कॉम में, बॉडी बिल्डिंग, हेल्थ, इस पूरी कॉम में जो भी ये अपग्रेड सीरीज़ देख रहा है ना, मतलब आप लोग आम इंसान नहीं हो. यू हैव समथिंग इन यू बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दोज 30-40-50 मिनट्स विच आई एम पुटिंग इन. आप उसको शिद्दत से देखते हो हर एक पॉइंट पे, मतलब या टाइम्स आप लोग टैग करते हो, मतलब छोटी बात नहीं है, वो बड़ी बात है. मतलब आप हर एक इन्फॉर्मेशन को बड़ी गहराई से सुनते हो, और ये जो गहराई है, ये जो डिटेलिंग है ना, यही आपको आगे लेके जाएगी भाई. जो 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 यू नो लोग अपने अपने कामों में महारत हासिल करते हैं ना, एक्सपर्ट्स, दे फोकस ऑन डिटेल्स, और वो एक आम से काम को भी इतनी खास तरीके से करते हैं ना, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं. और आप लोगों में वो खास बात है कि आप इतने बड़े वीडियो को भी इतने खास, इतने डिटेल तरीके से देखते हो. सो थैंक यू वेरी मच मैन, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट. सो ये जो सीरीज़ मैंने अभी यू नो स्टार्ट करी, तो इससे बात मुझे एक चीज़ ये सीखने को मिलती है, और यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि यार यू नो कोई भी काम करने की जब आप शुरुआत करते हो ना, वो सबसे टफ काम होता है शुरुआत करना, ऐसा लोग कहते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है. लेकिन मेरा मानना ये है कि उस काम को शुरुआत करने के बाद करते रहना, वो कहीं ज़्यादा टफ है. मतलब कंसिस्टेंटली आप उसी काम को करते हुए जा रहे हो जिस काम में आपको उस टाइम पे कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, ना ही कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे. अरे यार क्यों किए जा रहा हूँ मैं, अरे 22 दिन हो गए, अरे 25 दिन हो गए, कुछ हो नहीं रहा, है ना. लेकिन फिर भी आप उसको करे जा रहे हो, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, और यही हमें हर काम में चाहिए होती है, ठीक है. तो कोई भी काम करते हो ना लाइफ में, बहुत जल्दी उससे हार मत मान जाओ, वक्त दो, कुछ महीने, कुछ साल, कभी कभी कुछ कामों में कुछ साल की ज़रूरत होती है. हर काम का अपना एक डिमांड पीरियड होता है कि भाई इतना तो मैं लूँगा टाइम, इतना तो मेरे को चाहिए, है ना. कुछ दिनों में नहीं मानूंगा मैं, कुछ महीनों में भी नहीं मानूंगा, कुछ साल देने पड़ेंगे.
तो हर काम का अलग अलग टाइम पीरियड है जो आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है यहाँ पे। दूसरी चीज, जब आप किसी भी काम को कर रहे हो ना, तो बिल्कुल आंख बंद करके अंधाधुंध भी नहीं उस काम को करते रहो कि यार मिलेगा एक ना दिन, एक ना एक दिन होगा होगा होगा। पिवट करना भी हमें आना चाहिए कि कब उस काम को करते हुए आपको लग रहा है कि यार ये जो है ना काम तो मैं कर रहा हूँ, बट अब इसके आगे रास्ता बहुत ही बंद है, मतलब अब नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आप पिवट करते हो। और पिवट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने बड़े सपने देखना छोड़ दिया या आपने अब काम नहीं करोगे, आप काम करोगे लेकिन किसी दूसरी डायरेक्शन में, किसी अलग दिशा में आप आगे बढ़ोगे, उसे कहते हैं पिवट करना। और ये आपके करियर में, आपके बिजनेस में बहुत ही ज़रूरी है। कब पिवट करना है इसकी, इसका इल्म, इसकी यू नो समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। और ये कभी मत सोचना कि आपने पिवट मारा, कोई बिजनेस को कर रहे थे और अचानक से बिजनेस चेंज करना पड़ा या कुछ और करना पड़ा, तो अपनी हार मत समझो उसको, वो आपकी हार नहीं है। आपने कोई चीज़ में पिवट किया तो जितना वक्त आपने उस काम में लगाया था ना, उस काम को करते हुए जो आपको छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस हुए, जब आप हारे, जब आप छोटी सी जीत हुई आपकी, आपने लोगों के साथ कैसे यू नो बात करते हैं, कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनको लीड करते हैं, कैसे निगोशिएट करते हैं, ये सब आपने उस काम में लर्न किया। तो कोई भी आपका काम व्यर्थ नहीं गया भाई, आपने वो जो महीने साल उस काम में लगाए ना, वो दूसरी दिशा में जब बढ़ोगे ना, तो वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वहाँ से आप फिर वहीं से स्टार्ट करोगे जहाँ से आपने छोड़ा था। तो डरो मत, डरो मत किसी भी काम में अगर पिवट भी करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत काम किए मैंने लाइफ में जिसमें मुझे पिवट करना पड़ा है ना, और करूँगा, आगे भी करूँगा, आगे भी ऐसा वक्त आएगा जब पिवट करना पड़ेगा। सो डरो मत पिवट करने से, और ये समझो कि कंसिस्टेंसी चाहिए, शुरुआत करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उसके बाद कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। ऑलराइट, आई विल सी यू इनसाइड। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद फ्लैट बेंच प्रेस डंबल्स, ऑलरेडी वार्म अप कर लिया है, एक सेट भी ले लिया है। आज मैं आपको एक की टेक्निकल पॉइंट बताने वाला हूँ इन टर्म्स ऑफ कैसे वेट को लिफ्ट किया जाता है फ्लैट बेंच में के लिए, और कैसे उसको फिर उठाया जाता है वेट को विदाउट इंजरिंग योरसेल्फ, जो आपको एक क्वेश्चन भी था। उस दिन मैंने आपको इंक्लाइंड में बताया था, आज मैं आपको फ्लैट में बताता हूँ। थोड़ा प्रोटोकॉल मेरा डिफरेंट रहता है, सो आई होप कि आप लोग वेट देख पा रहे हो क्लियरली, राइट? हाँ, देख ही पा रहे हो। ओके, सो विल सी, थोड़ा स्ट्रेंथ कम है आज मेरे को लगता है, आई कैन फील इट। ओके, आई होप आवाज़ तो क्लियर आई रही होगी। चलो स्टार्ट, डेड लिफ्ट करके उठाओ, पैर पे रखो, फिर बैठो, ठीक है। हाँ, अब बैठते मत लेटो, ब्रेस योरसेल्फ फर्स्ट, हील ऊपर उठाओ, ठीक है। अब फ्लैट बेंच में क्या करना है कि दोनों पैरों को साथ में उठाना है, दोनों पैरों को साथ में, ठीक है, एक एक करके, डिसबैलेंस क्रिएट होता है अदरवाइज, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स गो। देखो, फोकस 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 फोकस। Alright, let's go. सो अभी यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जैसे ही वेट यहाँ से मैं लेटता हूँ दोनों को लेके, तो ये हाथ है ना, हाथ ये भाई, ये ऐसे नहीं, ऐसे लेके नहीं लेट रहा हूँ मैं, क्लोज़र टू द बॉडी, ये चिपका आगे। उससे क्या है कि मेरा शोल्डर जॉइंट प्रोटेक्टेड रहता है और एल्बो भी, क्योंकि अगर थोड़ा इधर उधर हो गया ना वेट, तो कई सारे लोगों के एल्बो में दिक्कत हो जाती है ये उठाते हुए। कितने लोगों को इंजरी हुई है जस्ट बिकॉज दे नॉट लिफ्टिंग राइट, मतलब इतने भारी वेट को 42.5 केजी या 40 या 50 केजी को हैमर पुल की तरह, हैमर कर्ल्स की तरह पुल करने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं कर पाओगे। ये दोनों आपके लेग्स के ड्राइव चाहिए ही चाहिए होगा,
सो कीप दिस इन माइंड, ठीक है? ऑलराइट, स्ट्रेंथ थोड़ी कम थी ना, 7 repetitions, आई वॉज एक्सपेक्टिंग के एटलीस्ट 8 या 9 तो आए, बट इट्स ओके क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली कैलरीज भी ड्रॉप कर रहे हैं हर वीक, है ना? और कल देखा जाए तो मैं इतना भी ज़्यादा काफ मैंने नहीं लिए, आपको पता ही वो मैंने खाया था, ठीक है? और उसके अलावा मैंने राइस ज़्यादा लिया रात को, दैट्स इट। ऑलराइट, सो आखिरी सेट ले लेते हैं, उसके साथ एक ड्रॉप भी लेंगे 30 किलो का, ठीक है? चलो भाई, अब मैं बोलूँगा नहीं, सिर्फ दिखाऊँगा। साला तीसरे सेट में लगा कि डीजल इंजन गर्म हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया, इवन दो 6 repetition आए फर्स्ट मेन सेट में, बट इट वाज स्ट्रॉन्ग, अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, गुड। ओके, सो फ्लैट बेंच प्रेस, अभी आ गए हैं हम वापस से वही पुरानी मशीन में जो हम लगा रहे थे। लास्ट वीक हमने फ्लैट बेंच में ही सेम मूवमेंट किया था, मतलब सेम एंगल, दिस एंगल, बट वो अभी बिजी है तो हम ये वाली मशीन में वापस से लगा रहे हैं। वेट प्रिटी मच आप कहोगे कि उसके बराबर तो नहीं, उसमें थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, इसमें थोड़ा सा कम लगेगा, 5 kg का डिफरेंस, आई डोंट नो, ऐसा मुझे फील होता है, सो विल सी हाउ इट गोस। अच्छा, अब देखो इसमें ना, ये इस तरह की मशीन्स में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप विदाउट एनी बैलेंस किए वेट को आप सीधे एक मोशन में पुश कर सकते हो, मतलब डंबल में क्या है आपको ऐसे ऐसे बैलेंस भी करना पड़ता है, समझ लो, तो उसकी वजह से मैं पूरा प्रेस करके होल्ड कर सकता हूँ इसको ज़्यादा देर तक, यूँ स्क्वीज़ करके टाइट और दबा के रख सकता हूँ वहाँ पे वेट को। अगर मैं डंबल के साथ ऐसा करूँगा ना तो डंबल ऊपर ज़्यादा प्रेस करने के चक्कर में इधर उधर हो जाएगी, सो यू कैन टेक लेवरेज ऑफ दिस काइंड ऑफ मशीन्स जिसमें आप पूरा स्ट्रेस तो देते हो और उसके बाद फिर पूरा स्क्वीज़ देते हुए होल्ड कर सकते हो मूवमेंट को, जिसमें पूरा आपका पैक्स पूरा कॉन्ट्रैक्टेड होता है, ठीक है? सो वेरी गुड मशीन टू डू दैट। ओके, चलो लास्ट एंड फाइनल सेट विद अ ड्रॉप सेट, आ जाओ। चल, कंट्रोल,
Ah, drop. Nigga, let's go. Chalo. Aja. Same form. Not bad. Okay. Okay, let's move on. All right, so third exercise is a decline. जो decline dips हम जो लगाते हैं for lower. ये last week मैंने start किया था but I will also continue this week as well. सिर्फ दो set करूँगा और बहुत ही controlled form में आपको बताइए है ना. ये उल्टा इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको better दिखाई दे. सर ना कट जाए. हाँ कट जाए. Not bad. Okay, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप ये मूवमेंट कर रहे हो तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में ही रखना और जो आपका ये शोल्डर है वो इतना नीचे नहीं इतना मतलब आपका हाथ ही इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए कि आपके शोल्डर से ऊपर चला जाए एल्बो. ठीक है, जहाँ पे ये जाने लगा तो आपके शोल्डर पे आने लग जाएगी भले ही आपका चेस्ट कितना अच्छा काम कर रहा. सो द मोमेंट यू फील द स्ट्रेच दैट्स इट गो बैक यहाँ. ठीक है, और पूरा एल्बो को पूरा ऐसे लॉक भी नहीं करना, ये भी ध्यान देना. ठीक है, सी कंट्रोल फॉर्म. बहुत डिफिकल्ट है इसमें चढ़ना. चल भाई चोरनी आ जा. बेकार लाइटिंग है बट कोई नहीं, ये तो धर्म है हमारा पोज करना. ऑलराइट, सो हमारी चेस्ट की टेक्निकली ये चौथी एक्सरसाइज है बट मैं वो बीच वाले को नहीं करूँगा, वो तो मतलब ऐसे हंसी मजाक में मैंने लगा ली. सो मुझे यूजुअली तो केबल फ्लाई मैं लगाता हूँ ऑन मंडे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ पुश बट अवेलेबल नहीं थी तो स्ट्रेट वेट नहीं करने का तुरंत यहाँ पे जाऊँगा. यहाँ पे भी केस हो गया, दो बंदे मतलब मैं और एक और बंदा हम इक्वल डिस्टेंस में इसकी तरफ बढ़ रहे थे राइट, और हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर हम दोनों ने मशीन को देखा, फिर उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई आप कर लो. मैंने कहा थैंक यू भाई. सो ऐसे लोग भी होते हैं जिम में. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. चल भाई कंट्रोल फॉर्म में फुल पावर. सही है.
ये जब भी आप ना रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में करोगे ना, एज इन पीछे जब भी आपके सपोर्ट होगा और जब आप फ्लाई कर रहे होगे ना, तो आपको केबल में तो उतना इशू फील नहीं होता. मतलब केबल में फिर भी आपका ये मूवमेंट ईजी होता है. मतलब आप हाथ यहाँ की बजाय यहाँ से ऐसे भी लेके जा सकते हो, ऐसे भी लेके जा सकते हो. मूवमेंट होता है आपको, फ्लेक्सिबल होता है हाथ. बट ये मशीन में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसी एंगल में जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता. तो हमेशा सीट की हाइट अपने पैक के जो सही एंगल है उसी में लगाना. अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया ना ये हाथ, तो शोल्डर पर आने लगेगा या किसी टेढ़ी मेढ़ी जगह आने लगेगा. सो बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट द सीट. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग ऑफ विद द डेल्ट्स, शोल्डर प्रेसेस लास्ट वीक भी हमने लगाई थी मशीन में, ठीक है. तो ये वेरिएशन आप भी दे सकते हो अगर आप काफ़ी टाइम से फ्री बारबेल या फिर फ्री डंबल से कर रहे हो तो, है ना. काफ़ी टाइम मतलब कि वही 5-6 हफ्ते से हो गए हैं ज़्यादा एंड ऑल. एक एक करके उठाता हूँ मैं ताकि शोल्डर पे ज़्यादा ना. चल भैया आ जा, कंट्रोल करके मारना. मशीन में यूजुअली थोड़ा सा टफ लगता है मुझे फ्री बारबेल के कंपैरिजन में, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट हो जाता हूँ ना मैं. मतलब आप ज़्यादा बॉडी से चीट नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते. सो इट इज़ गुड, इट्स अ गुड वेरिएशन. कितना वेट है, ज़्यादा नहीं है. देखो 20-25 ईच साइड और फिर मशीन का थोड़ा बहुत वेट होगा, नॉट मच. ऑलराइट, सो लैटरल रेज, ये मेरा पहला ही सेट है और मैं आज बेंच पे लगा रहा हूँ बैठ के, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंस आता है. मुझे लगता है कि सीट स्टैंडिंग और सीटेड में काफ़ी डिफरेंस है. आप बॉडी कम रॉक करते हो एंड मोर कंट्रोल्ड वे में आप इसमें लगाते हो. सो इट्स अ गुड मूवमेंट. सो एवरी फ्यू वीक्स में मैं चेंज करते रहता. ऐसे दो सेट करेंगे एंड द लास्ट सेट वुड बी अ ड्रॉप सेट. देखो, आउट ऑफ ऑल द लेटरल रेजेस वेरिएशंस, चाहे वो आप डंबल से कर रहे हैं या केबल से कर रहे हैं, अभी तक हमने केबल नहीं किया, राइट. मैंने आपको बताया नहीं केबल पे, ये तो मैंने आपको मशीन में भी दिखा दिया है, इवन मैं आपको इंक्लाइंड में भी दिखा दिया है. सो आउट ऑफ ऑल वेरिएशंस, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अलग अलग टूल से अलग फील होगा. जैसे मुझे ऐसा लगता है मैं डंबल से बेटर फील कर पाता हूँ अपने लेटरल हेड को, राइट. वहीं अगर मैं केबल से करूँ तो थोड़ा सा कम महसूस होता है. सो इट विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है. इवन तो आपको सारे वेरिएशंस ट्राई ज़रूर करने चाहिए फॉर योर लेटरल डेल्ट्स, राइट. जब मेरा मन नहीं माना, मुझे लगता है कि आपको एक और सेट देखना चाहिए, ड्रॉप सेट. इंटेंसिटी क्या होती है भाई, क्या डालना है वो आप देखो इसमें. चल भाई विद द ड्रॉप सेट, ओके. कंट्रोल Ugh.
चल आजा। Done. Okay, so lateral जो डेल्ट है आपका ये, ठीक है, ये जो हिस्सा है ना, ये इसका जो फंक्शन है, ये आपके हाथ को यूं साइड से ऊपर लेटरली ऊपर को उठाना, एलिवेट करना, ठीक है, इतना ये मूवमेंट करना है। अब ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें सिंगल जॉइंट है, ठीक है, और कोई मूवमेंट नहीं हो रही, आइसोलेशन हो रहा है, आइसोलेशन मूवमेंट। सो इसमें आप बहुत हैवी नहीं उठा पाएंगे। मैं देखता हूँ लोगों को 25-30 किलो के डंबल हिला रहे झुला रहे होते हैं। यू डोंट नीड यू नो दैट हैवी इन द लेटरल रेज। आपको एक ऐसा वेट लगाना है जो आपका 12 से 15 रेपिटेशन बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में आए। यू स्क्वीज द लेटरल डेल्ट एंड यू स्लोली कम डाउन, वो फील करते हुए। बहुत हैवी करोगे तो शोल्डर जॉइंट या कुछ दूसरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, सो अवॉइड डूइंग दैट। सो अभी हम हिट करने जा रहे हैं, देखिए दी रेयर डेल्ट, ओके। सो अभी मैं आज थोड़ा सा वेरिएशन दे रहा हूँ, बेंच पे लगा रहा हूँ रिवर्स फ्लाइज, जो आपने देखा होगा मुझे इस अपग्रेड सीरीज में नहीं बट अदरवाइज। सो चेक हाउ इट्स वर्किंग। ओके चल भाई आजा। Hey. Let's do a drop set quickly. किलर है भाई, किलर किलर है, किलर। ऑलराइट, सो ट्राइसेप स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन इंक्लाइंड स्कल क्रशर्स जो यूजुअली मैं लगा ही रहा हूँ, इसका ऑलरेडी मैंने एक सेट लगा लिया है, आई बी डूइंग टू मोर सेट्स और लास्ट सेट में ड्रॉप होगा। अब इंक्लाइंड में लगाने का मुझे ये फ़ायदा मिलता है दैट आई कैन लीव माई हैंड आउट, ठीक है, और सर भी थोड़ा सा बाहर होता है तो थोड़ा कंट्रोल बेटर मिलता है मुझे। दिस इज़ व्हाट आई फील, है ना। तो देखो भाई लोगों कैसे हो रहा है, कैमरा मत गिरा देना, आई कैमरा क्या है ना बहुत पास है। ऑलराइट लेट्स गो। कंट्रोल फॉर्म में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओके चल आ जाओ। 1, 2, 3, 4 Not bad. So, I think मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि जब भी आप ओवर हेड मूवमेंट करते हो, मतलब आपका हाथ एल्बो जो है आपके स्कैपिला से दूर जाता है, तो ये जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप है इट वर्क्स मोर। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि बाकी के हेड्स काम नहीं करेंगे, लैटरल काम नहीं करेगा, मिडल काम नहीं करेगा, इट विल वर्क।
बट आपका जो अहमियत है वो लॉन्ग हेड पे आती है, ठीक है। तो इसीलिए वेरिएशंस हम इतने सारे देते हैं, है ना। ट्राइसेप के फंक्शन तो वही कर रहे हैं हम। हाँ, ट्राइसेप का फंक्शन क्या है? ट्राइसेप्स तीनों मसल का, हेड्स का, हाथ को सीधा करना है एल्बो जॉइंट से। अब हाथ का सीधा तो हम एक वेरिएशन में भी कर सकते हैं ना, तो फिर हम क्यों ये क्यों करते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू टारगेट दी ओवरऑल हेड्स ऑफ ट्राइसेप्स, दैट्स वाई। सो फिनिशिंग ऑफ ट्राइसेप्स विद पुली पुश डाउन। अब इसमें मैं क्या है, थोड़ा सा ग्रिपिंग जो है ना नैरो रखता हूँ, ये थोड़ा पास में, छोटा वाला हैंडल मतलब कि बार है ये, और उसके भी अंदर पे लेटरल को थोड़ा सा टारगेट करने की कोशिश करेंगे हम, अंदर को रखते हुए ऐसे एल्बोस को, ये ठीक है, ये वाला हिस्सा। ओवरऑल ट्राइसेप ही होगा लेकिन थोड़ा एम्फेसिस आएगा। लड़ने मत जा, मत लग जाना कॉमेंट्स में, अरे नहीं इसमें ये होता है वो होता है। लेट्स गो। हल्का हो गया वेट, अपनी शक्ति को मैं अंडर एस्टिमेट कर सकता हूँ। इतना दर्द हो जाए कि भाई साहब करंट ना फील हो जाता है। दो सेट और करेंगे। ऑलराइट, सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा पुश मसल्स की सारी एक्सरसाइज हो गई हैं। नाउ प्रथा के अनुसार हम अभी पोजिंग रूम में जाएंगे, विल चेक द बॉडी। बट यहाँ पे लाइट थोड़ी मुझे अच्छी लग रही है, तो कुछ पोजेस को हम यहीं पे देखना चाहेंगे। टी शर्ट हम नहीं उतार सकते, बट जितना भी नज़र आ रहा है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, है ना। ओहो भाई, आज तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बॉडी बहुत बहुत लीन है। अब वहाँ पे क्या है ना, लाइटिंग अच्छी नहीं है, बहुत ही मतलब टू मच लाइट इनसाइड, तो वो क्या है कि बॉडी उतनी अच्छी, जितनी अच्छी है उतनी नज़र नहीं आती वहाँ पर, ठीक है। अगर आप मुझे नेचुरल लाइट में देखोगे ना, तो आई एम मच हार्डर देन आई यूजली लुक। सो ये लाइटिंग फिर भी बेटर है जो टॉप एंगल आ रहा है। तो अगर आप फ्रंट भी देखोगे ना, इट्स मच बेटर, मच बेटर। ये एक काम करते हैं, थोड़ा सा और टॉप एंगल करते हैं। अभी आई थिंक ये टॉप एंगल में आपको बहुत बेटर नज़र आएगा कि कंडीशनिंग है क्या, मतलब है ना। सो दिस इज़ द कंडीशनिंग, आई एम लुकिंग लाइक दिस। ट्राइसेप्स, या आज ट्राइसेप किया है, फिर भी पंप होते हुए भी कट्स नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी लो हो गया है। राइट, नाउ लुकिंग एट दिस साइड, दिस ट्राइसेप्स बेटा, ओके। सो दिस इज हाउ आई लुक, राइट। Okay. All right. So we are back in this room. Chalo bhaiya. Let's see how we are looking today. As I said, कि ये जो location है ना, ये justify नहीं करता मतलब मेरी physique को, मतलब जितना better physique हो चुकी है उसको justify नहीं करता ये। ऐसा लगता है कि
लाइट्स उतने सही फॉल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत चारों तरफ से बहुत लाइट है. अगर सिर्फ ये बीच की लाइट होती ना तो यू नो अच्छी फॉल करती लाइट. माइक चल रहा है? हाँ चल रहा है, सॉरी चेक करना पड़ता है. दो तीन बार ऐसा हो गया है मेरे साथ कि माइक मैं दो तीन बार नहीं एक दो बार हो गया है मेरे साथ. सो या कहीं मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोल दूँ और वो फिर रिकॉर्ड ना हो, फिर मैं दोबारा भी याद भी नहीं आता मुझे मैंने बोला क्या ठीक से, है ना. एनीवे, सो जस्टिफाई नहीं करती यहाँ पे लाइट प्रॉपर तरीके से कि कैसी है, है ना. बट दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग टुडे. मच लीन, मच मच बेटर. पिछले 22 दिन पहले से तो काफ़ी बेटर हूँ, ठीक है, बेटर. ऑलराइट, सो लेट्स चेक द ट्राइसेप, क्योंकि आज ट्राइसेप हमने करी है और चेस्ट करी है. देखिए जो मेरा राइट साइड है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इट्स बेटर. ओब्लिक्स और ये जो सेराइटस वाला एरिया है ना, ये ज़्यादा डिफाइंड है, मतलब अच्छे से फ्लो होता है. सी लेफ्ट साइड में होता है बट उतना ख़ास नहीं है, है ना. थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उतना बेमिसाल नहीं है. प्लस मेरे एब्स, रेक्टस एब्डोमिनस की बात करूं तो आई हैव टू प्रोमिनेंट, यानी कि जो अपर चार पैक्स हैं वो प्रोमिनेंट है, नीचे वाला प्रोमिनेंट नहीं है. मतलब वो मेरा उसका शेप ही नहीं है मसल का वैसा. तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं यहाँ पे ऐसे दो फिफ्थ और सिक्स बिस्किट बनेगा ही नहीं, मतलब प्रॉपर ऐसे बाहर आने वाला. बहुत बॉडी फैट परसेंटेज लो होती है तो थोड़ा सा शेप नज़र आती है, दैट्स इट. सो ये भी समझो, मतलब अगर आपका नहीं है ना वैसा शेप तो आपका नहीं पैदा हो सकता. कितना ही आप लोअर एब्स कर लो, कुछ कर लो, नहीं होगा. सो स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है. दिस इज़ व्हाई ऑलवेज से कि भाई बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे हो ना, कि बॉडी बिल्डिंग करनी है मुझे, बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो ये शेप बचपन से लेके आना पड़ेगा. मतलब कि स्मॉल वेस्ट, शोल्डर विड्थ का रेशियो उसके हिसाब से, मसल बेलीज का शेप, एब्स का शेप, है ना. तो सुंदरता लेके पैदा होनी पड़ेगी. ब्यूटी कॉन्टेस्ट है ना, मतलब कितनी खूबसूरत लग सकती है बॉडी, वही दिखाना है. वहाँ पे कोई हैवी वेट उठा के थोड़ी दिखाना है. इट्स नॉट लाइक पावर लिफ्टिंग और यू नो वेट लिफ्टिंग. तो बॉडी कितनी खूबसूरत बनेगी, ठीक है. तो ये है, चलिए बैक भी देख लेते हैं. आज बैक का क्या चल रहा है माहौल? ओके, नॉट बैड. फ्रंट से दिस इज हाउ आई एम लुकिंग. डिसेंट, नॉट बैड, है ना, वेरी ओके. That's it. Now, अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, इम्पॉर्टेंट बात. देखो मैं आपको, मैं कोई नहीं होता हूँ आप लोगों को ज्ञान देने वाला या फिर आप लोगों को ये बताने वाला कि तुमको तुम ये करो, तुम ये मत करो. मैं बस अपनी लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं और अपनी लाइफ में जो मैंने डिसीजंस लिए हैं वही बता रहा हूँ, ठीक है. तो मेरे को जज मत करना भाई लोग, और मेरी बात माननी है तो मानना, नहीं माननी है तो कोई इसमें लोड नहीं है. मतलब मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा इसमें. कोई भी इंसान जो होता है ना अपनी ज़िंदगी में अपने फैसलों से आगे या पीछे बढ़ता है, डिसीजंस, राइट. कौन से वक्त में, कौन से टाइम पे आपने क्या डिसीजन लिया, उससे फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ जाओगे, आप आगे बढ़ोगे या पीछे जाओगे. सो डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो डिसाइड करने की वो सेंसिबिलिटी, हाँ ये काम करना है, हाँ ये काम नहीं करना है, वो सेंसिबिलिटी अपने में नहीं है ना, तो काम गड़बड़ हो जाता है. अब ये सेंसिबिलिटी कहाँ से आती है कि भाई सही डिसाइड करा जाए? वो सेंसिबिलिटी आती है जब आप सही लोगों को सुनते हो, ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है. मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझको नहीं, दूसरे लोगों को देखो जो बहुत कुछ अच्छे पदों पे है, अच्छे मुकाम में है अपनी लाइफ में, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कब कैसे क्या क्या डिसीजंस लिए, उनसे सीखो. बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है. तो
सबसे पहला काम जो वीडियोस देखते हो आप, यूट्यूब पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, सही टाइप ऑफ कंटेंट देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर मैं भी ना जब रील्स मतलब इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो कभी कभी रील्स इतनी एडिक्टिव होती है कि आप स्क्रॉल करते ही रहते हो। देन मैं अपने मंकी माइंड को वापस से याद दिलाता हूँ, ओ भाई कहाँ 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 खो रहा है, ये तेरा काम नहीं है ये सब देखने का, तू देख। अगर तू रील्स भी देख रहा है तो सम इंफॉर्मेटिव रील्स देख, कुछ ऐसी रील्स देख जिससे तेरे बिजनेस पे, तेरे लाइफ में, तेरे करियर में कोई फ़ायदा हो, तेरे रिलेशनशिप्स तेरे दोस्तों के साथ, तेरे फैमिली के साथ बेटर हो वो। और सभ्यता मतलब एक, मैं हमेशा से इस बात का वो रहा हूँ एडवोकेट कि आप की जो यू नो भाषा होती है ना, मतलब कितने सभ्य तरीके से आप लोगों से बात करते हैं। गाली हर कोई देता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आप कि किसी को गाली नहीं आती, गाली आती है सबको आती है, लेकिन उस गाली का प्रयोग कहाँ पे करना है, अननेसेसरी गाली का प्रयोग, किसी के साथ आप यू नो वीडियो में गाली गलौज कर रहे हो, ये सब यू नो इट्स नॉट, ये हमारे दिमाग को बहुत ही सबकॉन्शियसली करप्ट करती है ये चीज़ें। ये आज पता नहीं चलेगा, ये एक टाइम बाद पता चलेगा कि यार ये काम गड़बड़ है। जब आपकी लैंग्वेज में वो पॉलिश होगी ना लैंग्वेज, सभ्य तरीके से आप बात करेंगे लोगों से, अपने आसपास वालों से, तो ऑटोमेटिकली देखोगे ना आपके थॉट्स भी बहुत ही इतने पॉलिश हो जाते हैं। मतलब ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, दोस्त सबके ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप किस तरीके से बात करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, वो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है, ठीक है। तो बचो इन चीज़ों से, बचो जितना हो सकता है बचो। अब्यूज़ करना किसी को, अननेसेसरी गाली देना, गाली सुनना, इट्स नॉट गुड मैन, इट्स नॉट गुड। इससे बेटर ये है ना कि आप कुछ ऐसे लोगों को सुनो जो आपको यू नो कुछ कुछ ऐसी खूबसूरत बात बता रहे हो जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, है ना। तो अवॉइड दिस थिंग, मतलब ये छोटी सी बात है, किसी को ऐसा भी लगेगा कि अरे सर कह रहे हैं कि यार जो लोग गाली देते हैं वो अच्छे नहीं होते। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मत सुनो, आप मत सुनो। कोई जब आपकी ज़बान खुलेगी और उससे यू नो बहुत प्यारे शब्द निकलेंगे ना, तो उससे आपकी बढ़ाई ही होगी, आपको लोग अच्छा ही समझेंगे, अच्छा ही मानेंगे। और अगर आपके मुंह से गालियाँ या फिर इस तरह के शब्द सुनेंगे तो आपका जो ओवरऑल परसेप्शन है ना वो सही नहीं बनेगा। मैं ये एक प्रोफेशनल लाइफ, एक सभ्य लोगों की कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। और जब इंसान को आगे बढ़ना होता है ना एक पायदान से ऊपर, तो फिर आप लोगों को ऐसे थोड़े सभ्य लोग ही मिलते हैं। तो अपने लोकेलिटी में हो वहाँ तक चलो फिर भी चल जाएगा काम, वहाँ से बाहर निकलोगे ना सभ्य लोगों की दुनिया है भाई ये, यहाँ पे लोग ना एक शब्द पे भी जज करते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड वॉचिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अवॉइड डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और मेरी बात माननी है तो मान सकते हो, नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, भूल जाना, ठीक है। विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, हर हर महादेव।